भारत का हिंदू मिलिटेंट रिवाइवलिज्म जिस शद्दोमत से वहां हो रहा है, अयोध्या की मस्जिद को गिराने के लिए 3 लाख कारकुन पहुंचा है। उनके डिसिप्लिन का तसव्वुर कीजिए कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, कहीं किसी मुसलमान का बाल भी बीका नहीं हुआ। ये डिसिप्लिन है, वरना जाते हुए जोश में मॉब्स हैं, किसी को मार दिया, किसी को कुछ और कर दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूटली पीसफुल डिसिप्लिन। एक ही मकसद था, मस्जिद गिराना है, गिराई और वापस आ गए। फसादात तो बाद में हुए जब मुसलमान खड़े हुए प्रोटेस्ट में, उस वक्त तक कोई फसाद नहीं, किसी मुसलमान की नकसीर तक नहीं फूटी। डिसिप्लिन का ये आलम है। मैं तो साल हर साल से बता रहा हूं, मैंने कम से कम 5-6 साल हो गए जब किताब पढ़ी थी, ब्रदरहुड इन सैफरन आरएसएस के बारे में, शिकागो में छपी थी ये किताब 10 साल पहले, और उन्होंने उस वक्त लिखा था ऑथर्स ने कि 2.5 मिलियन 25 लाख इनका ट्रेंड कार्डर मौजूद है। उन सबका मकसद है हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमान का खात्मा। और हाल ही में देवरस जो उनका तीसरा गुरु है, उनके यहां हर 5 साल बाद इंतखाब नहीं होता, गुरु लाइफ लॉन्ग गुरु, और एक गुरु नेक्स्ट गुरु को खुद मुंतखब करता है, नॉमिनेट करता है, अपने पास रखता है, ट्रेन करता है, उसकी मौत के बाद वो टेक ओवर करता है। 70 बरस में ये तीसरा गुरु है देवरस, और उसने सर्कुलर भेजा है तमाम हिंदू समाजी इल्मी और गैर सियासी तमाम तंजीमों को, अब वक्त आ गया है कि हम हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को मुसलमानों की निजासत से पाक कर दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर कुछ रद्द अमल होगा तो शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो जाए, जिनकी हमें चन्ना परवाह करने की जरूरत नहीं, बाकी पूरे आलम इस्लाम में कहीं कोई रद्द अमल नहीं होगा। He says I guarantee it। और गारंटी क्यों कर रहा है? अयोध्या मस्जिद पर कोई रद्द अमल हुआ कहीं? किसी मुल्क ने यह तक नहीं कहा कि मस्जिद दोबारा बना दो वरना हम तुम्हारे साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लेंगे। सफारती तो और बहुत दूर की बात है, जंग का अल्टीमेटम तो बहुत दूर की बात है, तिजारती ताल्लुक मुनक़ते करने की भी किसी ने धमकी नहीं दी। वरना सऊदी अरब और इमारात जो है, अगर सिर्फ इसकी धमकी दे देते होश ठिकाने आ जाते। बहरहाल तीसरी और आखिरी बदतरीन शक्ल यह है कि हिंदू रिवाइवल वहां जिस शद्दोमत से हो रहा है, और हमारा जो हाल है मुंतशिर बटे हुए, अभी इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, जो दीनी जमातों का मजहबी जमातों का हशर हुआ है, हमारे तो हाल जो है वो सबके सामने है। कोई पता नहीं कि आया फितना तातार के अफसाने से, हिस्ट्री माइट रिपीट इटसेल्फ, हमारा तहस नहस करके, लेकिन फिर अल्लाह ताला उनको तौफीक दे दे इस्लाम की। होना है यहीं से, हर हाल में यहीं से होना, इसका मैं यकीन रखता हूं। सिर्फ एक बात का जवाब नहीं दे सकता कब होना है,